नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हमारे फ्रेंड्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सब भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। अभी तक दोस्तों आप सभी ने स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अब हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, उत्तर है इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न है, नागरिकता के बारे में संविधान में कौन संशोधन कर सकता है, उत्तर है संसद। आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, उत्तर है 7 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है, उत्तर है 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, उत्तर है अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो। आपका अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन किसे इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था, विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद वह नागरिकता खो देता है, उत्तर है संसद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, उत्तर है मूलभूत अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार लागू होते हैं, उत्तर है देश के सभी नागरिकों पर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, उत्तर है मौलिक अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या एक महत्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट करता है, उत्तर है पहला न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है तो दूसरा प्रवर्तनीय नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को किसके दौरान प्रलंबित किया जा सकता है, उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, उत्तर है 6। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन एक संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, उत्तर है संपत्ति का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, पहले प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है, उत्तर है जायदाद का हक। आपका अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, उत्तर है 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ अपील की जा सकती है, उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस धारा के अंतर्गत जा सकता है, उत्तर है धारा 32। आपका अगला प्रश्न है, एक नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है,
उत्तर है भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले में सुनवाई की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है। उत्तर है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर है उच्चतम न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तर है सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? उत्तर है काम करने का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? उत्तर है शोषण के विरुद्ध। आपका अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो खाली स्थान उम्र से ऊपर का ना हो उसे फैक्ट्री या खानों में नौकरी नहीं दी जा सकती। उत्तर है 14 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तर है फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे उपलब्ध है? उत्तर है बच्चे, स्त्रियां, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसकी सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है? उत्तर है देश के प्रभुत्व व एकता के मुद्दे पर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है? उत्तर है राज्य की सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंधों के हित में, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। आपका अगला प्रश्न है, नागरिकों को दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर है अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा में सहायक होने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी भारतीय नागरिक को धर्म के आधार पर शासकीय पद से वंचित किया जाता है तो यह उसके किस मौलिक अधिकार का हनन करता है? उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, किस फरमान को व्यक्तिगत आज़ादी का द्योतक कहा जाता है? उत्तर है हैबियस कॉर्पस। आपका अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय क्या है? उत्तर है किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधिरुद्ध निरुद्ध किया गया है मुक्त करने के लिए किसी न्यायालय से आदेश देना। आपका अगला प्रश्न है, अवैध नज़रबंदी से मुक्ति के आधार को खाली स्थान रिट से सुरक्षित रखा जा सकता है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है? उत्तर है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर। आपका अगला प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को मुकदमे के बिना कितनी अवधि के लिए बंदी बनाया जा सकता है? उत्तर है 3 माह।
आपका अगला प्रश्न है, किसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना गया है? उत्तर है, जिसे अपनी वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार है एक कानूनी अधिकार? आपका अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? उत्तर है, 12 जनवरी 2005। आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? उत्तर है, जम्मू एवं कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है? उत्तर है, 1 अप्रैल 2010। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? उत्तर है, निर्वाचित होने का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि पर कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी हासिल है? उत्तर है, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? उत्तर है, न्यायपालिका। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? उत्तर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर है, संसद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? उत्तर है, राजनिर्देशक तत्व की नीति। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? उत्तर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई है? उत्तर है, निर्देशक तत्वों में। आपका अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? उत्तर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उत्तर है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? उत्तर है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश किसकी स्थापना के लिए किया गया है? उत्तर है, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? उत्तर है, पेटिसा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में न्याय और कार्यकारी के में अलगाव का प्रबंध है? उत्तर है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है?
उत्तर है निर्देशात्मक सिद्धांत के भाग में। आपका अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कौन से सिद्धांत नीति में नहीं है जिसका पालन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। उत्तर है सभी विवाहित दंपतियों के पास दो से ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का भाग नहीं है। उत्तर है छुआछूत का उन्मूलन। आपका अगला प्रश्न है, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। उत्तर है निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका अगला प्रश्न है, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत है। उत्तर है गैर वाद योग। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तर है गोवा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नया वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। अभी तक दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत